माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सकेश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। और ख़ास तौर से सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया में जो भी मेरी बहनें बच्चियाँ माएँ तीज मना रही हैं, उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। प्रभु से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपकी गृहस्थी की गाड़ी हमेशा अच्छे से चलती रहे। तो आज तीज पर बात होगी और तीज का बहाना लेते हुए पति पत्नी के बीच तनाव, बीमारी और दूरियों पर भी बात होगी। इसके साथ साथ बच्चों के लिए खास टिप और आपका जन्मदिन, राशियों का हाल और एक बहुत सुंदर सा विचार। तो इतनी सारी चीज़ों को समेटते हुए अब चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम बात करते हैं तीज पर। सबसे पहले तो मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि तीज का मुहूर्त कब है। आज 8:38 के उपरांत तीज प्रारंभ होगी और पूरे दिन रात तक ये तीज चलेगी और कल सुबह 5:46 पर तृतीया का और तीज का समापन हो जाएगा। अब आप खूब अच्छे से सजिए, संवरिए, माता पिता से मेल मुलाकात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, अपने सास ससुर से आशीर्वाद लीजिए, घर में जो बड़े हैं आपके उन सब से आप आशीर्वाद लीजिए। और मैंने आपको एक बहुत ख़ास चीज़ बताई थी, तीज पर रुद्राभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। आप नहीं करा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए शिवलिंग पर 8:38 के बाद आप जल से अभिषेक कीजिए, पुष्प से अभिषेक कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और क्या आपको दान करना है वो ज़रा लिख लीजिए। यह दान किसी गरीब स्त्री को कर दीजिएगा, उसमें कुछ चूड़ियाँ हों, कोई वस्त्र जिसका वह उपयोग कर सके वो हो और साथ ही साथ जो भी घर में आपके पका हो वह भोजन हो, सिंदूर हो और यथाशक्ति जो भी आप धनादि का दान दे सकते हैं वो हो, ये ज़रूर आप कर दीजिएगा। ठीक है, जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो वो बहुत बढ़ जाती हैं और जब हम दुख बांटते हैं वो कम हो जाते हैं। तीज के बहाने से मैं एक बात करना चाहता हूँ, पति पत्नी के बीच में दूरियाँ धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं और बहुत सारे माता पिता के यह खत आते हैं और वो ये कहते हैं कि डर लगता है बेटी को ब्याहने में, डर लगता है। बहुत सारे माता पिता के खत आते हैं, मतलब मेल आते हैं, तो वो ये कहते हैं बेटे की शादी में भी अब डर लगने लगा है। जो सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है, जो डरों को समाप्त करके जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाता है, व्यथित मन को शांत करता है, अब वो रिश्ते में डर लगने लगा है। कैसी अजीब सी बात है, लेकिन अब जमीनी हकीकत है तो है ही है। इससे निपटने के कुछ तरीके हो सकते हैं। देखिए, हम लोग अक्सर बात करते ही हैं मंगल की, हम लोग अक्सर बात करते हैं शनि राहु की, और बात इसलिए करता हूँ, उपाय इसलिए बताता हूँ कि जिससे परिवार बंधे रहे। बहुत महत्वपूर्ण होता है परिवार का बंधे रहना, अन्यथा जिंदगी नरक बन जाती है। कुछ पति पत्नियों के बीच में वैमनस्य तो नहीं है, लेकिन वह बहुत दूर दूर रहते हैं, नौकरी की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से वो बहुत दूर रहते हैं। कुछ पति पत्नी वैमनस्य तो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वह करीब भी नहीं है। और वहीं कुछ पति पत्नी बीमार रहते हैं, इसलिए वह अपने गृहस्थ दायित्व का सही से पालन नहीं कर पाते। इन तीनों विषयों पर कुछ चर्चा करके मैं आपको उपाय बता दूंगा, आप उसे करिएगा और प्रभु जरूर आप पर कृपा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेष विषय मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत कीजिएगा, काम कीजिएगा, गृहस्थ जीवन में भी संतुलन आएगा और आपके क्रोध में भी कमी होगी। सावधानी, माताजी और पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, इस दिन से और भी अच्छा लाभ पाने के लिए ओम नमः शिवाय का ध्यानस्थ होकर जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय थोड़ा कमजोर चल रहा है,
इसीलिए आप कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं कीजिएगा, और साथ ही साथ किसी को धन या कोई भी कीमती चीज़ देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस रिश्ते को बहुत संभाल कर आज रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई शक शुभ उत्पन्न हो जाए, परेशानी हो जाए। उपाय कर लीजिए, चावल का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ एक बहुत विशेष बात आपने ध्यान रखनी है, यदि आज आप कोई संबंध जोड़ रहे हैं, खास तौर से वैवाहिक संबंध जोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक सावधानी जरूर बरतें, आज आप कोई भी रिस्की काम ना करें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानियों को दूर भगाने के लिए, जितना समय अभी आपके पास है महामृत्युंजय का जप कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आप वाद विवाद में जीतेंगे, इसलिए हिम्मत से मुकाबला कीजिएगा, धैर्य जरूर बना के रखिएगा। कुछ नए रिश्ते आप जोड़ सकते हैं, कुछ नए लोगों को मिलने से आपके जीवन में उत्साह और आशा का संचार होगा, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन अपनी तरफ से वाद विवाद शुरू ना करें। उपाय क्या कर रहे हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए बात कर रहे हैं पति पत्नी के बीच, क्योंकि तीज का दिन है, सभी पत्नी अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं, उनके आयु की कामना करती हैं। उनके सुहागों से भी निवेदन है कि वह अपनी पत्नियों के लिए भी वही कामना करें, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाता है कभी कभी, नौकरी की वजह से पति अलग रह रहे हैं, पत्नी अलग रह रही हैं, और ये लंबा खिंचता है, और इसकी वजह से दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर असुरक्षा भी आ जाती है, स्वाभाविक है, सब मानव है। तो उस समय अगर चीज़ों को ठीक नहीं किया गया तो ये असुरक्षा बढ़ती है। एक और चीज़ बता रहा हूँ, आज के बच्चों में बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होने की टेंडेंसी है, जहाँ एक और यह जिंदगी के लिए वैसे तो बहुत अच्छा, आप जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंड हुए, लेकिन वैवाहिक जीवन में इसका नुकसान हो सकता है। जब वो बहुत लंबे समय तक अलग रहते हैं, या रहते एक साथ हैं लेकिन शिफ्ट्स अलग अलग हैं, तो एक आता है तो दूसरा चला जाता है, ऐसे में उनके बीच में आपसी प्रेम विश्वास थोड़ा कम हो जाने का डर रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, उसके आधार पर मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। तो असुरक्षा उत्पन्न होती है, असुरक्षा उत्पन्न होती है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब भी ऐसा हो रहा हो तो एक काम कीजिएगा, लिखिए क्या करना है, हफ्ते में जिस दिन आप लोगों के पास समय हो, ऐसे दंपतियों के पास हफ्ते में जिस दिन समय हो, उस दिन आप कन्याओं का पूजन करके और उन्हें भोजन जरूर कराएंगे, और भोजन के उपरांत उन्हें 5 फल और 2 लौंग जरूर देंगे, समझ रहे हैं? कन्या पूजन करके मतलब उनको प्रणाम करके घर बुलाइए, उनके हाथ पैर साफ करवाइए और उनको भोजन करवाइए। यह उपाय आप दोनों के बीच में यदि वैमनस्य बढ़ रहा है, शक बढ़ रहा है, असुरक्षा बढ़ रही है, तो उसको समाप्त करेगा, और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा प्लान ईश्वर ज़रूर आपके लिए बना के रखेंगे, जिससे आप लोग एक साथ रह सकें और हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकें। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर ऐसी ही 2-3 और महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो। सिंह राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, कुटुंब और रिश्तेदारों की दृष्टि से भी यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, परंतु आपके रोग दूर हो सकते हैं या रोग को दूर करने का कोई उपाय मिल सकता है, एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन ठंड से बचने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए दही का दान जरूर कर दीजिए, बाकी अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, लॉस हो सकता है, इसलिए अपने धन को बहुत सोच समझ कर कहीं लगाइएगा, और यदि आप बहुत सारा धन लेकर कहीं जा रहे हैं तो भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इस दिन अपने निजी संबंधों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें, कहीं ऐसा ना हो लापरवाही में वो संबंध आपसे दूर हो जाए या टूट जाए। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। तुला राशि,
ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन कठिनाई के बाद, संघर्ष के बाद विजय है, ऐसा कह सकते हैं। धैर्य बना के रखिएगा, अपने कार्य करते रहिएगा। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन अपने राज किसी के साथ डिस्कस नहीं करें, नहीं तो फंसेंगे। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, भाषा की वजह से, कफ की वजह से, दांतों की वजह से ये दिन थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी आने जाने का अच्छा अवसर आपको कहीं मिलेगा, कोई टी पार्टी वगैरह में भी जाने का मौका मिलेगा। कुल मिला के आनंद से रहेंगे, बस एक सावधानी बरतनी है धन को लेकर, कहीं भी धन एकदम ना लगा दें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। और अब परवरिष्ठ, बहुत सारे बच्चे पतला होना चाहते हैं, इसके लिए वो खाना पीना छोड़ देते हैं। माता पिता को ऐसे बच्चों को खाने के लिए कहना चाहिए, लेकिन उनकी ग़िज़ा, उनकी डाइट थोड़ी सी चेंज कर लीजिए। उनकी डाइट में पानी या पानी वाली चीज़ें अधिक रख लीजिए, सलाद अधिक रख लीजिए, लेकिन उनको ये ज़रूर कहिएगा कि वो बराए मेहरबानी भूखा रहकर वज़न ना घटाएं, नहीं तो उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। जब शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो शरीर अपनी ही ऊर्जा को खाना शुरू कर देता है, तो ये ध्यान रखते हुए वह बहुत केयरफुल रहें, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं तीज के अवसर पर पति पत्नी के बीच के संबंध बहुत सुदृढ़ हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रस्त जीवन का दायित्व तो ढंग से निभाया ही नहीं जा पाता, क्योंकि या तो पति या तो पत्नी बीमार रहते हैं और उसमें इतनी परेशानियां कभी कभी हो जाती हैं कि मन उखड़ने लगता है, और कभी कभी ये सोचने भी लगते हैं बेकार इस रिश्ते में आ गए, जिंदगी तो नरक बन गई। खासतौर से वो सभी लोग जिनका विवाह के बाद स्वास्थ्य गिरना शुरू हुआ और ऐसी स्थिति आके खड़ी हो जाती है कभी कभी कि वो अपने बच्चों तक की देखभाल नहीं कर पाते। यदि ऐसा है तो आज एक कार्य करें, आज आप महामृत्युंजय मंत्र से दोनों लोग बैठकर और अभिषेक करें, 8:38 के बाद से लेकर सूर्य अस्त के बीच में कभी भी ऐसा करें, घर पर भी कर सकते हैं, और बहुत प्रेम स्नेह सेवा भाव से ऐसा कीजिएगा, देखना लाभ होगा, जरूर होगा। जब आप ये अभिषेक करें तो एक कार्य और कर लीजिएगा, भगवान शिव को या शिवलिंग पर लाल रंग का धागा खूब अच्छे से लपेट दीजिएगा, ठीक है, और उसको सूर्यास्त के उपरांत दोनों लोग एक दूसरे को पहना दीजिएगा, ठीक, या किसी घर के बुजुर्ग के द्वारा वह कलावा मौली वह हाथ में धारण कीजिएगा। देखिए, प्रयास तो जरूर करने चाहिए और कभी कभी कुछ विशेष अवसरों पर किए गए प्रयासों से लाभ मिलने लगता है, तो ऐसा कीजिए और उसके बाद इसे नियम के तौर पर हर शुक्ल पक्ष की तृतीया को कर दिया कीजिए, या जिस दिन आर्ध नक्षत्र हुआ करे उस दिन ये उपाय फिर कर लिया कीजिए, लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। धनु राशि, भाग्य पक्ष उस दिन कमजोर है, इसलिए कोई भी कदम जल्दबाजी में मत उठा बैठिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज आप कुछ क्रोध की वजह से एक ऐसे रास्ते पर जा सकते हैं जहां पर आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हों, बचें। सावधानी, इस दिन किसी को धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करिए। मकर राशि, धन खर्च होने के बड़े योग चल रहे हैं, इसीलिए धन को बचा कर रखने की जरूरत है। इस दिन आपको धन की कमी अखर भी सकती है, मन थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है इस दिन, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। यदि आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा हो तो शांत बैठे आराम से अपनी जगह पर, नहीं तो आप किसी से जाकर बातचीत करेंगे और झगड़ा हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, जिन लोगों को सर की, गले की, पीठ की दिक्कत रहती है या कंधों की दिक्कत रहती है, वो इस दिन अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, बाकी समय कुल मिला के ठीक है, चिंता नहीं करनी, बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन कोई दोस्त आपको धोखा ना दे दे, अलर्ट रहें, इसलिए कोई भी आपको भ्रम में रखे, कोई बुलावे में लेके आए, ठगने की कोशिश करे तो सतर्क रहना। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने ओम रुद्राय नमः का जप करना है, फिर अपने काम पर जुट जाना है।
मीन राशि, अपने रिश्तों को खासतौर से निजी संबंधों को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है इस दिन। वैसे समय कुल मिला के ठीक है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए यदि कोई परेशानी में आप अपने आप को फंसा भी देंगे तो आप उसे निकल आएंगे। लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतें, जिन लोगों को भी पेट की कोई दिक्कत चल रही है वह अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, चिकित्सीय सलाह लें और एक उपाय भी कर लीजिएगा। इस दिन गणपति जी को एक सुपारी भेंट कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए। एक व्यथा लेते हैं। ये व्यथा है सचिन सेठी जी की और 17 नवंबर 1983 8:35 सुबह इनका जन्म हुआ है। अब इनके साथ परेशानी क्या है, क्योंकि इनके घर में बहुत सारी मृत्यु हुई हैं कैंसर की वजह से, तो ये फिक्र कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इनको भी कोई इसी प्रकार की समस्या हो जाए। देखिए, आप ऐसे विशेष रूप से तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दो तीन फिर भी परहेज़ आप कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। एक तो चीज़, ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें ना खाया करें, पौष्टिक चीज़ें ही अधिक खाया करें और दिन में कम से कम 10 से 20 मिनट तक ओम का जप ज़रूर कर लिया करें। एक काम और करना होगा आपको, सोमवार के दिन ओम रुद्राय नमः करके अभिषेक कर लिया कीजिएगा और गाय के दूध से बने हुए दही में, ये हफ्ते में 2 बार करना है, गाय के दूध से बने हुए दही में काली तुलसा को पीसकर उसमें अच्छे से मिलाकर फिर खा लिया कीजिएगा, लगभग 1 कटोरी। आप ये सब कीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें। अब नोट कीजिए फटाफट दिन भर के शुभ अशुभ समय। पहले अशुभ समय बता देता हूँ। 2 मुहूर्त लिखिए, 12:51 से लेकर 1:44 तक, और दूसरा 2 मुहूर्त होगा 3:29 से लेकर 4:21 तक। गुलिक काल रहेगा 2:03 से लेकर 3:42 दोपहर तक, और यमगण काल रहेगा 10:47 से लेकर 12:25 दोपहर तक, और राहु काल नोट कीजिए 7:31 से लेकर 9:09 सुबह तक। शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से लेकर 12:51 तक, और अमृत काल रहेगा 1:22 दोपहर से लेकर 2:49 तक। तो बीमारी की हम लोग बात कर रहे थे, एक तो रुद्राभिषेक हो गया आपका, अब दूसरी चीज़ आप क्या कर लीजिए कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को, यदि आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कभी भी कर सकते हैं, चांदी की कोई ठोस चीज़ भेंट करें जो आप दोनों इस्तेमाल करें, पहन लें या इस्तेमाल करें। इसमें अंगूठी भी हो सकती है, इसमें चेन भी हो सकती है, इसमें ठोस गोली भी हो सकती है, कोई प्रतिमा भी हो सकती है, कोई सिक्का भी हो सकता है, लेकिन चांदी हो उसमें अच्छे से। तो ये उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और उसके साथ साथ पति पत्नी दोनों मिलकर घर के पश्चिमी और उत्तरी एरिया की सफाई किया करेंगे। बहुत नहीं कर सकते, जितनी कर सकते हैं उतनी स्वयं किया करेंगे, बड़े हृदय से किया करेंगे। आप देखिएगा इसमें बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत सारी बाधाओं परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका आज है जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा समय है, मार्च तक जरूर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मार्च के बाद आपको मिलेंगे। नौकरी में, घर में अच्छा परिवर्तन हो सकता है, जिंदगी में भी अच्छा परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अफेयर्स से बचिएगा। कोई नया रिश्ता इस समय में जब जीवन में आता है तो मुश्किल होती है। उपाय क्या करेंगे, आप एक नियम बना लीजिए, सोमवार को चीनी का दान करने का और शुक्रवार को दही दान करने का, बस ये नियम बनाएं और अच्छे से बड़ा मर्यादित जीवन जिए तो जी सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। एक व्यथा लेता हूं। ये सपना चतुर्वेदी बच्ची है, ये कहती हैं मुझे मालूम है मेरा सूर्य मंगल राहु तीनों बहुत खराब है, और मैंने जो आपने पहले हाथ पे दिखाया था उसे देखकर ये समझ लिया है, और उसके अनुसार लेकिन उसके अनुसार मुझे चलना नहीं है, मुझे IAS बनना है, मैं क्या करूँ। वाह, इस जिद का मैं कायल हूँ।
ये जिद ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों में खास तौर से हिम्मत हार के बैठने के बजाय जिद करिए, ठानिए और फिर आगे बढ़िए और लिखिए, उपाय हो जाएगा। आपको क्या करना है कि गंगा जल बांटने की आदत डाल दीजिए, ठीक है। वैसे आपका शनि भी बहुत अच्छा नहीं है, तीन तो आपने सही देख ही लिए। गंगा जल एक तो बांट दिया कीजिए, कभी भी किसी को भी जिसको मन किया थोड़ा सा गंगा जल बांट दिया। दूसरी चीज़ यह है, मंगलवार को और रविवार को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें लोगों में बांटेंगे। रविवार को आप अन्न त्याग दीजिएगा, रविवार को अन्न मत किया खाया कीजिए, बाकी कुछ भी आप खा सकते हैं। और महीने में एक बार पंचामृत और जल से आप रुद्राभिषेक ज़रूर कर लिया कीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रोज़ाना सुबह ज़रूर किया कीजिए, सूर्यदेव के सामने बैठ कर 20 मिनट, बस सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ तीज के अवसर पर जिनके बीच में बड़ा रेमिनिस्स हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति की वजह से या आपसी कलह की वजह से उनका घर बिखर सा जाता है। ऐसे दोनों लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो अधिकतम मौन रखें और मुस्कुराने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हम अपनी हंसी हंसते हैं या तो हंसते ही नहीं हैं, कभी दूसरे की हंसी में भी अपनी हंसी मिलाना हमें आना चाहिए। हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देने से कोई अपनी विद्वता तो सिद्ध कर सकता है लेकिन रिश्ते में प्यार सिद्ध नहीं कर सकता। तो एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे की हंसी में हंसिए, एक दूसरे के विषाद में दुख मनाइए। और एक छोटा सा उपाय, रोज़ाना एक तंदूरी रोटी, उस पर आप अच्छे से चीनी लगा लीजिएगा, ठीक है ना, उसे चीनी लगा दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए। अगर गौ माता नहीं मिलती है तो थोड़ी सी चीनी लगा के, नाम मात्र की चीनी लगा के कुत्तों को खिला दिया कीजिए। जिंदगी में परिवर्तन आएंगे, बशर्ते ये उपाय दोनों लोग करें और दोनों मिलके कर लें तो क्या कहें। इसे रात में भी किया जा सकता है, इसलिए ज़रूर कर दिया करें, अच्छा जीवन होगा। और अब वो बात जो दिन भर आपको ऊर्जा देगी, वशीर बद साहब ने बहुत खूबसूरत दो पंक्तियां कही, गौर फरमाइए। दुश्मनी जम कर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम कर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो हम शर्मिंदा ना रहे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विदा लेता हूं। तीज की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ईश्वर आपके ग्रस्त जीवन में बहुत खुशियां दे, रौनक दे, दोनों लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।